हेलो फ्रेंड, मैं हूं विशाल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। 92% से ज़्यादा लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। सो फ्रेंड, दिल्ली NCR के लाखों लोगों के लिए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने बड़ी राहत दी है। शनिवार को डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की 7 जून से यानी सोमवार से दिल्ली मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें 50% पैसेंजर के साथ ही पटरी पर चलेंगी। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 5 बजे लॉकडाउन खत्म हो रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत NCR के सभी शहरों के लोगों ने दिल्ली मेट्रो का परिचालन सोमवार से शुरू होने की उम्मीद जताई थी। अब उनकी मुराद पूरी हो गई है। लोगों का कहना था कि दिल्ली मेट्रो तो दिल्ली NCR के लाखों लोगों की लाइफलाइन है, ऐसे में 7 जून को लॉकडाउन समाप्त करने के साथ इसका संचालन हर हाल में शुरू होना चाहिए। बता दें कि 29 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश में अनलॉक धीरे धीरे शुरू करने का ऐलान किया था। इसी के साथ 31 मई से दिल्ली में निर्माण गतिविधियां और फैक्ट्रियां जारी हैं। लोगों को उम्मीद थी कि 7 जून से अनलॉक 2.0 के तहत दिल्ली मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। अब इसके तहत दिल्ली मेट्रो ट्रेन के एक कोच में 50 यात्री ही सफर कर पाएंगे। वहीं शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए दिल्ली मेट्रो के एक कोच में एक सीट छोड़कर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। मेट्रो स्टेशन में प्रवेश से पहले ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। शारीरिक दूरी का पालन नहीं होने पर मेट्रो स्टेशन कुछ देर के लिए बंद किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि देश की राजधानी में 10 मई से दिल्ली मेट्रो का परिचालन बंद है। इससे पहले जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए मेट्रो का संचालन किया जा रहा था। अब मांग की जा रही है कि मैं फिर से दिल्ली मेट्रो के संचालन की शुरुआत जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए की जाए, धीरे धीरे इसमें और पैसेंजरों को जोड़ा जाए। दिल्ली में 19 अप्रैल से जारी लॉकडाउन से दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC को भी भारी नुकसान हो रहा है। मार्च 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण से पहले दिल्ली मेट्रो की रोजाना कमाई 10 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसके बाद लगातार 6 महीने बंद रही दिल्ली मेट्रो को अब तक तकरीबन 4000 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हो चुका है, जिसे पटाने में सालों लगेंगे। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।